हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम फॉर एवरीवन। आज हम सभी अपने इस लेसन को पढ़ने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो आज का ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 3 है, और होपफुली आप सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, प्रैक्टिसेस चल रही होंगी, रिविजन चल रही होगी। लेकिन मेरा एक कंप्लेंट है, वी आर नॉट रिसीविंग योर डाउट्स, है ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मेरे लिए। मैं बार बार, आई थिंक हर क्लास में आप सभी को यही बोलती हूँ कि काइंडली आस्क योर डाउट। कुछ क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रहा कि लिखना कैसे है, किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके से आंसर डिलीवरी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग होनी चाहिए, है। तो आई थिंक हम इस चीज के लिए हैं, है ना। तो प्लीज 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 देखो, मैं इसलिए नहीं कह रही कि इसमें मेरा कुछ बेनिफिट है, बट जब अब हम सब लोगों के बीच में एक कनेक्शन हो गया है ना, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है, तो अब मुझे थोड़ा सा ना आपकी फिक्र रहती है, थोड़ा सा टेंशन में रहती हूँ कि बच्चों के मैसेजेस नहीं आ रहे हुए, है ना। तो हम सब तो बिजी रहते हैं, बट आप तो बिजी नहीं हो, है ना। तो थोड़ा सा ग्रुप में भी झांक लिया करो कि मैम शायद आपके मैसेजेस का वेट करती रहती है कि डाउट्स पूछना है तो किस तरीके से, और नहीं ये वो, है ना। तो सभी बच्चे आइए और हम लोग डाउट पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, नॉर्मल टॉक भी हम लोग कर सकते हैं ना, नॉर्मल चैट। आई थिंक बहुत सारे बच्चे मेरे साथ करते हैं, ग्रुप में नहीं करते, ग्रुप के अलावा करते हैं, ठीक है। और मैं सबके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब 7th क्लास के बच्चे तो इतने ज्यादा हैं, 10th क्लास के बच्चे इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, दे इंडिविजुअली मैसेज, है ना, ऑन व्हाट्सएप, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, नहीं। खैर, तो इस लेसन को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लेसन था, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ाते हुए, और आई थिंक आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा सुनते हुए, ठीक है। तो दिस इज मी ऑल, भारती नीमकर, और हम सब पढ़ रहे हैं SST। आप सभी बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सत्य शिक्षा 6th, 7th एंड 8th, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा टेलीग्राम। ओके, तो चलो। अच्छा, हमें यहाँ पर अब आगे आ जाना है, ठीक है, एजुकेशन से आगे जाना है, लिटरेसी से। अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, उसमें से कुछ ब्रिटिशर्स थे जो फेवर में थे कि जो इंडियन एजुकेशन है, जो इंडियन लर्निंग है, जो इंडियन शास्त्र हैं, इंडियन उपनिषद्स हैं, इंडियन बुक्स हैं, इंडियन लिटरेचर है, ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल और इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल है कि हमें इसी ही चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ना कि हमें अपनी सेल्फ, जो ब्रिटिश की जो लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। मतलब आप किसी का कल्चर क्यों खराब कर रहे हो, क्यों खत्म करना चाहते हो, है ना। इंस्टेड ऑफ कि आप उसे नर्चर करो, है ना, आप उसे पालो, आप उसे आगे लेके जाओ, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। क्योंकि हम सभी, ऑल ब्रिटिशर्स वर टू मच लिटरेट, सब बहुत पढ़े लिखे थे, तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे थे, इसलिए शायद वो अपनी जो एजुकेशन थी वो हम लोगों के ऊपर थोपना चाहते थे, इम्पोज करना चाहते थे कि नहीं भाई इनको भी सिखाना है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एवरीथिंग चेंज और कन्वर्टेड इंटू द ब्रिटिश लाइक थिंग, है ना। अब जैसे इतने सारे जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, सब ब्रिटिशर्स ने बनाई है, तो उन्होंने वहां पर हमें जाके क्या फील आता है, हम इंडिया में ही नहीं है ना। ऐसी कई प्लेसेस हैं, आप दिल्ली में आ जाओ, आप सीपी में आ जाओ, यू विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज, मतलब बिल्डिंग्स दे आर सो, यू नो, सो ब्रिटिश टाइप, और इतनी ज्यादा मैं क्या ऑथेंटिक नहीं बोलूंगी, बट दे आर वेरी, यू नो, एक टच दिखाई देता है उसमें ब्रिटेन का ना, यू लिटरली फील फ्रॉम इनसाइड कि हाँ हम सीरियसली ब्रिटिश एम्पायर में खड़े हुए हैं, है ना, किसी टाइम में ऐसा हुआ करता था। तो वहां पर यू फील लाइक यू आर नॉट इन इंडिया, है ना, यू आर एक्चुअली आउटसाइड। तो उन्होंने अगर ज्योग्राफिकली हम लोगों को बदल दिया, बट बाय ब्रेन, है ना, हमारी मेंटालिटी भी वो बदलना चाहते थे, और आई थिंक बहुत हद तक बदल भी चुके थे, है ना, क्योंकि वो जबरदस्ती उस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो कई लोगों ने उसको अपोज किया कि नहीं, हम इंडियन लर्निंग्स को आगे नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट सिविलाइज्ड, है ना, वो उससे सिविलाइज नहीं बनने वाले हैं, और उनको उससे कुछ अच्छा भी नहीं मिलने वाला है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। उनका पर्पस क्या था कि वो हम लोगों को पढ़ा लिखा कर अपने ही लिए यूज करना चाहते थे, बट है ना, इसीलिए तो उन्होंने एक एक रीजन तो देना पड़ेगा कि भाई अगर हमें इनकी लर्निंग, हम इन लोगों को सिखाएंगे तो हमारे लिए कैसे काम आएंगे, हमें तो इंग्लिश चाहिए,
एनी हाउ कुछ आता नहीं, और कुछ आता हो या ना हो बट इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना आज के समय में, कुछ आता हो या नहीं आता हो इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आने से जॉब लग जाती है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंग्लिश आने से किसी की जॉब लग जाती है। ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश रिक्वायर्ड है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक गूगल है एंड ऑल, ये सब मिथ है कि इंग्लिश चाहिए होती है। भाई इंडिया में हो, इंडियन लैंग्वेज में काम करो, व्हाई आर यू वर्किंग इन दी फॉरेन लैंग्वेज, है ना। तो बी प्राउड ऑन योर हिंदी। ठीक है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हम हिंदी बोल रहे हैं, मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा है, बाकी सब इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, है ना। पर मैं दूसरी साइड पे ये भी बोलूंगी, आपको दोनों लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए ताकि आप कम्पीट कर सको, आप पीछे नहीं रह जाओ। बट कई जगह ऐसी होती है जहां पर इंग्लिश नेसेसरी है। मैं आज के टाइम की बात करूं, नॉट टॉकिंग अबाउट दी ब्रिटिश एरा। ठीक है, चलो, लिटरेसी इन इट सेल्फ इज नॉट एजुकेशन, मतलब पढ़ाई अपने में जो साक्षरता है वो पढ़ाई नहीं है। साक्षरता और जो एजुकेशन है उसमें फर्क होता है। ठीक है, इसमें आप लोग, हम लोगों के, मतलब गांधी जी ने एक कोट लिखा, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि बाय एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से उनका मतलब ये था कि आई मीन एट ऑल अराउंड, कहाँ गया पेन, ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि एजुकेशन से हमारा मतलब ये है ना, कि हम एक बेस्ट चीज के आसपास, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारी स्पिरिट है, स्पिरिट बोले तो आत्मा, सोल, ये सभी चीजों को बेस्ट आउटकम चाहिए जो कि हमें एजुकेशन से मिलता है ना। हमारी एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन जो हम ये जो मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, जो लर्निंग, जो वैल्यूज है हमारी, जो नॉर्म्स है हमारे, जो हमारी रूट्स बने हुए हैं, है ना, इनको हम कभी नहीं छोड़ सकते। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, पूरे पूरे भारत में कह रही हूँ, पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, क्या आप अपना इंडियन पना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाएंगे, हम हमेशा इंडियन रहने वाले हैं। दिवाली आएगी तो वहां पे पटाखे फोड़ेंगे, बेशक से बैन होगा बट फिर भी हम लोग पटाखे फोड़ने वाले हैं, है ना। अगर वहां पे भाई दूज है तो हम वहां से भाई दूज राखी फॉरवर्ड करेंगे अपने भाई को कि भाई चल, तू तो इंडिया में रहता है, मैं तेरे को राखी फॉरवर्ड कर रही हूँ। अगर भाई क्या किसी बाहर दूसरे कंट्री में रहता है तो अब जो बहन है उसको इंडिया से राखी फॉरवर्ड करने वाले हैं कि मैं चल तेरे को कॉरियर कर देती हूँ। तो हम अपनी वैल्यूज तो नहीं छोड़ रहे, हम अपने नॉर्म्स तो नहीं छोड़ रहे, तो वी आर, यू नो, मतलब हम खून से इंडियन है। इवन कोई भी किसी भी नेशन का जो पर्सन होता है वो, मतलब वो खून से उसी देश का होता है ना। वो कभी भी उसके लिए वो चेंज कर ही नहीं सकता कि भाई हम दूसरे बन जाते हैं, हम अंग्रेज बन जाते हैं, फील ही नहीं आता, है ना। तो गांधी जी यही कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब कि आपके अंदर एक बेस्ट चीज आ रही है पढ़ाई से, ठीक है, जिससे हमारी जो बॉडी है, जो माइंड है, जो स्पिरिट है, वो बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, फिर लिटरेसी इज नॉट दी एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग, मतलब साक्षरता जो है, लिटरेसी मतलब साक्षरता, कि आप साक्षर हो गए हैं, आप पढ़े लिखे माने जा रहे हैं। तो साक्षरता ना तो एंड है एजुकेशन का और ना ही बिगनिंग। हम कहते हैं ना कि जो लर्निंग है हमेशा चलती रहती है। याद है ये बात, शायद आपके साथ कई लोग आपको कहते होंगे, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, आपके टीचर बोलते होंगे, और मैं तो सबसे बोलती हूँ कि लर्निंग नेवर एंड्स। आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके जब तक आप मर नहीं जाते तब तक हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सीखने का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई लिखाई कॉपी में, कॉपी पेन से ही लिखना है तभी आप कुछ सीखोगे, है ना। एजुकेशन यू कैन रिसीव एनीवेयर, कहीं भी, कभी भी, बड़े से, छोटे से, अपनी हम उम्र से, किसी से भी सीख सकते हो। तो लिटरेसी कभी खत्म नहीं होती, है ना, ना ही शुरुआत है ना ही एंड है। लर्निंग ऑलवेज रन, वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो ये डिग्रीज तो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि देखो हम इतने पढ़े लिखे हैं, बट कई ऐसे लोग भी हैं जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं है बट दे हैव मोर एजुकेशन देन यू, दे हैव मोर वैल्यूज, मोर नॉर्म्स, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं आपसे ज्यादा, समझ, समझदारी, है ना। तो ये हम यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज नॉट ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मेन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ एक सिंगल वे ये नहीं है कि आप इसी से एजुकेट हो सकते हो। अपने उपनिषद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पता नहीं क्या क्या हमारे पास लिखा हुआ है, इतने दुनिया भर के लिटरेचर्स हैं, इंडिया में बेस्ट राइटर्स मिलते हैं, उनकी किताबें पढ़ो, यू विल बी एजुकेटेड, यू विल बी लिटर, है ना। आप क्या बन जाओगे? एक साक्षर व्यक्ति बन जाओगे। ठीक है,
लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन एजुकेशन, ये वही हम पढ़ चुके हैं कि लिटरेसी एक खुद अपने आप में एजुकेशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर गांधी जी, ये सिर्फ गांधी जी की बातें चल रही है कि गांधी जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। गांधी जी इज ट्राइंग टू सेइंग समथिंग, तो वो हम आपको कन्वे कर रहे हैं कि गांधी जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन को लेकर वो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते तब तक आप कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हो, आप किसी बात के ऊपर आगे नहीं जा सकते हो। और ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। आज के टाइम में अगर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू समझने के ऊपर आते हैं कि गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू लिखो एग्जाम में, एजुकेशन पे क्या था इन द ब्रिटिश एरा, तो क्या लिखोगे, हमें तो पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी का नजरिया क्या है, कि सबका नजरिया समझना बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक ये एक बेस्ट लर्निंग है कि आप लोगों को नजरिया समझने लगते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आई वुड देयरफॉर बिगिन द चाइल्ड्स एजुकेशन बाय टीचिंग इट इज यूजफुल हैंडीक्राफ्ट एंड इनेबलिंग इट टू प्रोड्यूस फ्रॉम द मूवमेंट इट बिगिन्स इट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखो गांधी जी क्या कहते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि एक बच्चे को एजुकेशन मैं किस तरीके से दूंगा, कि मैं उसे कोई हैंडीक्राफ्ट सिखाऊंगा और फिर उसको उस काम के बाद, सिखाने के बाद मैं उसको बढ़िया ट्रेनिंग दूंगा, तब जाके वो बच्चा एजुकेट होगा। मैं आपसे, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा, बट मैं क्लास से पहले और क्लास के बाद भी आप लोगों से यही कह रही थी कि सिर्फ पढ़ाई करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आप सभी कोई ना कोई स्किल सीखिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ लिख के भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए ताकि आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत पाओ, है ना। कि आप अगर कोई काम करने जा रहे हो तो आपको उस स्किल की वजह से रोक दिया ना जाए कि आपके पास तो स्किल नहीं है, आप तो काम ही नहीं कर सकते, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्किल्ड। ठीक है, अच्छा, तो ट्रेनिंग दी जाए तभी वो बच्चा एजुकेट हो जाएगा। एंड आई होल्ड दैट द हाइएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड द सोल इज पॉसिबल अंडर सच अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और ये कहते हैं कि मैं फिर उस बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हाइएस्ट होगा क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास एक ट्रेनिंग है, उसके पास एक एजुकेशन है, और यहाँ से हम एक बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। अब आपने देखा प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, सभी ने सुना होगा, है ना, प्रधानमंत्री के वाई, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना। ऐसी कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स दिखाई देते होंगे आपको अपने घर के आसपास या फिर ऐसे इलाकों में जहां पर क्राउड ज्यादा रहता है ना। तो ये जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या विकास कौशल योजना, ठीक है, ये दो वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये सभी बच्चों को फ्री में स्किल सिखाते हैं, कोई भी कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है, चाहे आप सिलाई ले लो, मेहंदी ले लो, और भी एजुकेशनल है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये सिलाई कढ़ाई वाला तो परमानेंट है और ये हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोर्सेस की जो मेन्यू है मैं आपको बोलूंगी, आप सभी बच्चों को अभी नहीं बट आफ्टर 10th 12th, आप जब बड़े हो जाएंगे थोड़ी समझ हो जाएगी तो यू कैन ज्वाइन, ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, स्किल और डेवलपमेंट यहाँ पर अपना करवा सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा और जो कि हर जगह वैलिड है, आपको ऐसे जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। तो फ्री में जब काम हो रहा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और क्योंकि ये, पता है, ये पॉपुलर नहीं है, क्यों पॉपुलर नहीं, क्योंकि पैसे नहीं लेता, और फ्री की चीज पता है हम लोग लेते भी नहीं है, अरे फ्री की पता नहीं कैसी है, समझ रहे हो। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज बेकार मिलने वाली है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई चीज आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसका थोड़ा सा मतलब थोड़ी जानकारी तो लो कि एक्चुअली करवाने क्या वाली है ना। तो इसीलिए मैं आपको, सभी बच्चों को रेकमेंड करती हूँ कि यहाँ पर आपका जब भी टाइम लगता है आफ्टर स्कूल भी आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो काइंडली जस्ट गो एंड आस्क फॉर दी मेन्यू की क्या क्या सिखाया जा रहा है ना, ताकि हम अभी नहीं तो शायद स्कूल के बाद सीखें, ठीक है। तो ओनली एवरी हैंडीक्राफ्ट हैज टू बी टॉट नॉट मेयरली मैकेनिकली एज इट डन टूडे बाय द साइंटिफिकली। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट जो अब चल रहा है अब वो मैकेनिकली नहीं होता, अब वो साइंटिफिकली हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड शुड नो द व्हाई एंड व्हाई वेयर फॉर
ऑफ एवरी प्रोसेस कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है। हमें प्रोसेस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है दैट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या क्रिएट हो रहा है और उससे मेरा ब्रेन चल रहा है। तो ब्रेन का काम करना, ब्रेन की डेवलपमेंट होना जरूरी है, ना कि अगर हम मशीन से काम करेंगे तो ब्रेन में तो कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, बस बैठे सामान में सारा फिट किया, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, तो मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। सारा दिमाग किसने लगाया? इंजीनियर ने लगाया मशीन बनाने में, तो उसमें ज्यादा दिमाग है, उसकी डेवलपमेंट ब्रेन की ज्यादा है, और जो वहां पर वर्कर काम कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट ब्रेन की कम है ना। तो ब्रेन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब ये राष्ट्रीय एक सोच बन गई थी, राष्ट्रीय मतलब सोच ही बन गई थी और फैली ये पूरे देश में। एंड अदर थिंकर्स आल्सो बिगन थिंकिंग ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। अब इनके बाद जब क्या कहते हैं, गांधी जी ने जब इसके ऊपर इतना ज्यादा गहन विचार किया, इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए कि हमें ये एजुकेशन, ये जो सिखा रहे हैं ना, ये जो लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा रहे हैं कि हम इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम लोग बहुत एजुकेटेड हो जाएंगे, बट हमें ये एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें कौन सी एजुकेशन चाहिए जिससे हमारा जो ब्रेन डेवलप हो, माइंड डेवलप हो, हमारा जो सोल एंड बॉडी है ये सब डेवलप हो, है ना, हम सिर्फ ऐसे मशीन बन के काम नहीं करें। ठीक है, देखो हम लोग किस लर्निंग पे डिपेंड हम बिलीव करते हैं, इस वाली लर्निंग पे कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं और यहाँ पर शिष्य बैठे हैं और दोनों आपस में जो थॉट्स है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ना कि किताब लेके बैठे। क्या पहले के लोग किताब लेके बैठते थे? नहीं, है ना। जो सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेट अप बाय द ब्रिटिश। तो ये हमारा सिस्टम है जो फोटो यहाँ पर आपको दिखाई, दिस इज आवर सिस्टम, ना कि किताब कॉपी लेके बैठो और रट्टा मारने शुरू हो जाओ, ये हमारा सिस्टम नहीं है। तभी पहले के लोग बहुत ज्यादा चीजें याद रख पाते थे, बहुत ज्यादा जो उनकी मेमोरी का स्टोरेज था बहुत ज्यादा था आपके कंपैरेटिव में। तो अभी हमारे दिमाग में क्या स्टोर हुआ हुआ है कि हम लोगों को गेम्स कैसे खेलनी है, ऑनलाइन गेम्स कैसे खेलनी है, हमको पबजी कैसे खेलना है ना, हमको फ्री फायर कैसे खेलना है, ये सब हमें हमारा दिमाग चलता है। ठीक है, इसीलिए हमारे चश्मा भी लग गया है स्क्रीन सारा टाइम देख देख के देख देख के। पर पहले देखा किसी को कभी चश्मा लगते हुए? और दिमाग भी सबसे ज्यादा, जो स्टोरेज थी वो भी सबसे ज्यादा, कि चीजें बहुत ज्यादा याद रख पा रहे हैं, कुछ भूलते नहीं है ना। अ क्लास इन प्रोग्रेस। अब देखो ये इमेज देखो कि यहाँ पर जो ये बीच में व्यक्ति बैठे हैं ये हैं मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, और ये शांति निकेतन में बैठे हुए हैं। 1930 की ये इमेज है। तो यहाँ पर ये बैठे हैं, क्या कहते हैं, पढ़ाई सिखा रहे हैं बच्चों को। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी एज के नहीं है। ठीक है, उस समय क्या था, जो बच्चे हुआ करते थे उनकी हाइट और जो बॉडी थी वो काफी जल्दी ग्रो करती थी, क्योंकि अच्छा और शुद्ध खाना खाया करते थे, फ्री घूमा करते थे, हवा पानी सब बढ़िया था, इसलिए जल्दी बॉडी ग्रो करती थी, तो इसलिए दे आर किड्स। ठीक है, ये मत समझना कि ये बड़े बड़े बैठे हुए हैं। एनीवेज, तो ये किस चीज को मतलब अप्रोच करते थे कि इन दी ओपन एरिया और पेड़ों के बीच में बैठ के मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं तो बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं। जैसे कि स्कूल में होता है ना, कई बार गाँव के स्कूल देखे कभी किसी ने? गांव के स्कूल में क्या होता है, वहां पे एक मास्टर होता है और मास्टर सभी बच्चों को पेड़ के नीचे लेके बैठा रहता है, बच्चे बस पढ़ रहे होते हैं, बच्चे हवा चल रही है, बच्चे स्लेट पे लिख रहे हैं अपनी तख्ती पे, तख्ती को उन्होंने धोया, फिर उसको लिखा, फिर धोया, फिर उसको लिखा। दैट वॉज यू नो बेस्ट एक्सपीरियंस। एक बार मैं भी मेरी कजन के साथ उसके स्कूल गई थी, पता है जब हमारी स्कूल की छुट्टियां होती है ना, 2 महीने की छुट्टियां, जो विंटर समर वेकेशन जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम मेरे कजन्स का स्कूल चल रहा होता था, तो उनकी कुछ दिनों बाद छुट्टियां पड़ती थी, हमारी पहले पड़ जाती थी। तो क्या होता था कि मैं भी उसके साथ स्कूल चली गई कि मुझे भी तेरे स्कूल चलना है। तो मैं वहां गई, मैंने देखा मतलब बच्चे बैठे हैं मजे में, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, टीचर्स यहाँ वहां घूम रहे हैं, बच्चों को काम दे दिया, बच्चे काम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं पूरे ग्राउंड में, मतलब वो बहुत अच्छा था। मतलब उसको देख के लग रहा था हाँ कि अभी हम गांव के स्कूल में आए हैं। अभी शहर के स्कूल में क्या होता है, क्लासरूम में बैठना है, बेंच पे बैठना है, नीचे भी नहीं बैठते, है ना। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बट फिर ना पता है वहां पे टीचर को पता चल गया और मुझे डांट के भगा दे कि आप यहाँ नहीं आ सकते। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, है ना, शांति निकेतन के बारे में हम लोगों ने सुना ही है। ठीक है, शांति निकेतन वॉज अ हाउस। तो यहाँ पर ये शांति निकेतन की इमेज है जो आप देख रहे हैं, काफी बड़ा बंगलो कह सकते हो उसको। तो अब क्या आपको पता है कि शांति निकेतन किसने स्टेब्लिश किया, क्यों किया, क्या रीजंस रहे?
है ना। तो शांति निकेतन जो था उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया, द इंस्टीट्यूशन इन 1901 इसको बोला जाता है, यानी कि 1901 में उन्होंने इसको शुरू किया। अब जब वो बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ही हेटेड स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। तो उन्होंने ये पाया कि जो स्कूल होते हैं ना सफोकेटिंग होते हैं, ऑप्रेसिव होते हैं, वहां डांटा जाता है, वहां धमकाया जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो ऐसा होगा, पढ़ोगे नहीं तो वैसा होगा। सफोकेटिंग होते हैं क्योंकि काफी सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, तो सांस लेने की जगह नहीं होती, समटाइम्स आपकी क्लास में विंडो भी नहीं है, ठीक है। तो अगर 50 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं तो हमें कुछ थोड़ी साफ हवा तो आनी चाहिए ना बाहर से। तो उनको सफोकेटिंग लगता था, उनको ऑप्रेसिव लगता था कि टीचर डांटता रहता है, प्रेशराइज करता रहता है। तो उन्होंने ये सोचा, उन्हें एक्चुअली वो जेल लगता था, मेरे ख्याल से हर बच्चे को स्कूल जेल ही लगता है। तो पर वो ये सोचते थे कि वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब चाहते कि कोई दूसरा ऐसा फील करे। तो उन्होंने सो वाइल द अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे। जब बच्चे उनकी बात सुन रहे होते थे ना टीचर्स की, तो जो टैगोर होते थे वो कुछ ना कुछ सोच रहे थे हवा में। तारे जमीन पर देखिए, है ना, तारे जमीन पे वो ईशान होता है, वो क्या करता है, उसके दिमाग में से क्लाउड्स बन जाते हैं, नंबर्स के इमेजेस बन जाती हैं, और रॉकेट बन के उड़ रहा है, फिर दूसरे पे लैंड कर रहा है। तो वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ होता था कि वो वहां पर तारे जमीन वाले ईशान बन जाते थे, और फिर टीचर उनको ऐसे चौक मारता, है ना। अच्छा, तो जो उनका एक्सपीरियंस था स्कूल डेज का कैलकटा में, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया एजुकेशन को लेके, कि मुझे एजुकेशन में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया जहां पर जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे, ठीक है, मतलब ऐसा चाहते थे कि वो एक स्कूल खोले जहां पर बच्चे बहुत खुश रहें, ठीक है। वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, शी कुड बी फ्री, देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जो लड़कियां हैं वो फ्री और क्रिएटिव फील करें, क्योंकि लड़कियों को फ्री फील करना उस समय में बड़ा मुश्किल था कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, तुम बड़े हो गए हो या बड़ी हो गई हो तो अब तुम स्कूल में जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो शी वॉज नॉट फील फ्री, अरे मेरी तो शादी हो जाएगी जब मैं 16 या 18 की हो जाऊंगी। तो दैट वॉज अ चैलेंज। क्रिएटिव हर कोई होता है, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करी, एवरी वन इज क्रिएटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को रोक के रखोगे, बांध के रखोगे, तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता। थर्ड वॉज की वेयर शी वॉज एबल टू गेट एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर। यहाँ पे लड़कियों को स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो लड़की है शी, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपने थॉट्स को एक्सप्लोर कर सके, जो चाहती है वो, जो डिजायर्स हैं उसकी, जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। कई लड़कियां ड्राइंग करना पसंद करती हैं, कई पेंटिंग, कई कढ़ाई, कई बुनाई, कोई सिलाई, है ना, कोई खेल कूद पसंद करती है। लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था पहले, पता है, कि तुम खेल नहीं सकती, तुम बड़ी हो गई हो, मतलब आई डोंट नो वाई तुम बड़े हो गए तो तुम खेल नहीं सकते, मुझे ये चीज समझ नहीं आती वाई। खैर, तो टैगोर को ये लगता था, फेल्ट दैट, कि जो चाइल्डहुड ऑट टू बी टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, जो चाइल्डहुड है वो एक सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं, उनको खिलौने दे दो, टॉयज बिखेर दो, पजल्स ला के डाल दो, वो लगे रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, है ना, एक चीज सेटअप करने में, कि देखो मैंने ये बनाया है, देखो। और दैट चाइल्ड फील सो हैप्पी कि मैंने बनाया है ना, वो उसको पूरे घर में लेके घूमता है, देखो ये मैंने बनाया, देखो ये मैंने बनाया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्फ लर्निंग, है ना, वो खुश होते हैं। हम लोग इवन मैं भी, अगर मैं कुछ खुद से सीखती हूँ बजाय कि आपको प्रेशराइज करके कुछ सिखाया जाए कि आपको ऐसा ही करना है, तो आप वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना, वो चीज, बल्कि उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होने की बजाय लो हो जाती है। तो बच्चे क्लास में, मैं कहती हूँ कि बच्चों की क्लास में कम नंबर क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि टीचर्स हर टाइम उनके सर पे डंडा लेके खड़े रहते हैं कि आपको पढ़ना है, आपके मार्क्स आने चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए। वो मार्क्स के चक्कर में लर्निंग ही नहीं हो पाती, कि नंबर मुझे लाने हैं, नंबर मुझे लाने हैं, वो सिर्फ यहाँ रखा रहता है और वो सारे जो डोर्स हैं वो सब लॉक हो जाते हैं और फिर कुछ अंदर घुसता नहीं है। तो अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ नंबर लाने, वो नंबर ही नहीं आ पाते, है ना। तो सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, ट्राई टू लर्न समथिंग, है ना, एक्सेप्ट अलॉन्ग विद, एक्सेप्ट नहीं बोलूंगी, अलॉन्ग विद द एजुकेशन, जो भी आप पढ़ रहे हो ये बहुत अच्छा है, ये जरूरी भी है, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छा भी करो, ठीक है। अब इट शुड बी आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। अब जो ब्रिटिशर्स ने स्कूल सेट किया बहुत रिजिड था,
ठीक है, मतलब बड़े ही बेकार रूल्स थे, स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था। ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत डिसिप्लिन प्रिय लोग थे वो, उनको हर चीज टाइम पे चाहिए, ये चीज अभी होनी चाहिए, ये चीज तभी होनी चाहिए, मतलब दैट वाज, अब बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो कि अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये टोटली ब्रिटिश सिस्टम है। तो टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, टीचर्स को इमेजिनेटिव होना, बच्चों को नहीं होना। ठीक, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, अब यहाँ पर बच्चे को समझे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझे और बच्चे की हेल्प करे, जो उसकी क्यूरोसिटी है उसकी डेवलपमेंट में बच्चे को हेल्प करे, तो बच्चा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू टैगोर, जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे वो दैट वाज किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ चाइल्ड एंड टू बी क्रिएटिव एंड हर सेंस ऑफ वंडर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था पूरा। तो टैगोर जी कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे जो बच्चे हैं उनकी डिजायर खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, है ना, उनकी क्रिएटिवनेस खत्म हो जाएगी एक्चुअली। और जो लड़कियां हैं वो, मतलब उनकी जो सेंस ऑफ वंडर है, एब्सोल्युटली विल बी लॉस्ट, है ना, कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब जो हम अपने आप को खोज रहे हैं, जो हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट विल नॉट हैपन। तो जो ब्रिटिश स्कूलिंग सिस्टम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टेगोर वाज द व्यू ऑफ द क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो टेगोर जी सबको, देखो बाग में लेके बैठे, आओ मस्त पढ़ाई करें, है ना। देखो एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पर उन्होंने सेटअप किया हुआ है, आस पड़ोस देखो कितने घने घने पेड़ हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी पढ़ाई होती, दिमाग खुला खुला रहता है ना। सो ही चोज टू सेटअप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा। तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव की जगह पर इन्होंने अपना स्कूल सेटअप किया। तो ही सॉ इट एज एन अडोब ऑफ पीस, तो उन्होंने इसको देखा किस नजर से, अडोब ऑफ पीस यानी कि शांति निकेतन, शांति का घर, जहां पर कोई ऑप्रेसिवनेस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप फ्रीली जो करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, सब यहाँ पर होगा और सब नेचर के साथ बड़े प्यार से रहेंगे। तो बस इससे जो चाइल्ड है उसकी जो क्या है, क्रिएटिविटी नेचुरली बढ़ेगी, उसको जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। अब इन मेनी सेंसेस टैगोर और महात्मा जो थे, उनका एजुकेशन जो थॉट थे बड़े सिमिलर थे, कि मतलब हाँ दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी है ना बच्चे, गांधी जी के थॉट में एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, गांधी जी के जो थॉट है, कुछ ही लोग उस समय ऐसे थे जिनके थॉट गांधी जी से मैच किया करते थे, क्योंकि गांधी जी वो ट्रूली एक अहिंसा रोड पर थे कि मुझे उसी ट्रैक पर रहना है, मैं इससे उतरने ही नहीं वाला, चाहे मुझे इस अहिंसा के साथ साथ कितना भी नुकसान हो जाए, मैं वो नुकसान बियर कर लूंगा, पर मैं अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ये सब इनके कुछ रूल्स थे, इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया था कि भैया मुझे इसी ट्रैक पे रहना है। तो समहाउ जो दूसरे लीडर्स थे, जिनको हम फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, जैसे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, इन सब लोगों के थॉट कभी भी गांधी जी से मैच हुए ही नहीं, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हम गांधी जी के हिसाब से चलेंगे तो हमें आजादी कभी नहीं मिल सकती, और लिटरली ऐसा था। ठीक है, बट ठीक है, जैसा भी था, सबने मेहनत की अपनी अपनी साइड से, जिसको जैसे एफर्ट्स लगाने थे सभी ने लगाए, और सभी की मेहनत से आजादी मिली है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ गांधी जी नहीं आंदोलन चलाए तो हमें आजादी मिली, ऐसा नहीं है, सबने अपने अपने लेवल पर मेहनत की, अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल किए, ठीक है, फाइट की, और सभी की हेल्प से हमें आजादी मिली है। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी भी इंक्लूड थे। ठीक है, एक सिंगल पर्सन को हम यहाँ पर ऐसे टाइटल नहीं दे सकते कि सिर्फ इसी इंसान की वजह से हमें आजादी मिली है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो तेरे पर हाउ एवर डिफरेंसेस भी थे कोई ना कोई, बट जो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और जो अंबेडकर थे, इनके थॉट बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, कहीं कहीं सिर्फ एक दो थॉट मिलते थे, अदरवाइज कोई भी थॉट मैच नहीं करता था, डिफरेंसेस ज्यादा थे रेदर देन सिमिलैरिटी। तो गांधी जी हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, है ना, वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मशीन और टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आए और हमारे भारत को घेर ले, जो हमारा दिमाग है जो फ्रेश चल रहा है ना, अच्छे से रिवॉल्व कर पा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो मशीन की वजह से खत्म हो जाए। टैगोर चाहते थे कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, अगर वो आ जाता है, वो कंबाइन हो जाता है, तो जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है वो हमें एक बेस्ट लेवल पर दिखाई देगा। दैट मींस वो थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के फेवर में थे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इट मेक्स पीपल गुड,
है ना, एक अच्छा वर्जन हमें दिखाई देगा यहाँ पर। गांधी जी सख्त खिलाफ थे कि भाई हमने इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है। खैर, तो ही एम्फसाइज, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ही दैट नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। भाई साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाओ, जरूरी है। म्यूजिक आर्ट तो चलता ही रहेगा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ ऐसा ही भारत नहीं रहने देना चाहते। हमारा भारत आगे तरक्की करेगा, हमारा भारत आगे जाएगा, अलग अलग फील्ड में नाम कमाएगा। जब वेस्ट जो कंट्रीज है वो इतना ज्यादा पॉपुलर, इतनी ज्यादा फेमस, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, तो व्हाई नॉट अस। तो जो टैगोर जी का पॉइंट ऑफ व्यू था टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो बहुत क्लियर था कि हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में प्रोग्रेस चाहिए, ना कि हमें रुक जाना है, सिर्फ आर्ट एंड म्यूजिक में ही सेटअप होना है। ठीक है, तो इनका यहाँ पे जो थॉट था वो गांधी जी से अलग था। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर लेकर आई जाए। कई जो इंडिविजुअल्स और थिंकर्स थे, दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन। तो कई इंडिविजुअल जो थे, मतलब वो ये सोचते थे कि जो नेशनल एजुकेशन है कि ये एक फैशन बन सकता है। मतलब होता है ना कि एक चीज जब ट्रेंड में आ जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर कोई गाना आया तो सब लोग उसके पीछे रील बनाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही एक ट्रेंड बन जाएगा कि मतलब हमें एजुकेशन, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं। सम वांटेड चेंज विद इन सिस्टम। कुछ लोग चाहते थे कि ब्रिटिश सिस्टम अच्छा है, बस थोड़े से चेंज कर दो तो और भी बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा इंडियन स्टाइल कर दो, है ना। और उनको लगता था कि जो सिस्टम है कुड बी एक्सटेंडेड एज सो टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। अब जो एजुकेशन सिस्टम है तो थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि उसमें हर सेक्शन के लोग आ सके, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है ना, किसान के बच्चे हैं या फिर जमींदार के बच्चे हैं, कोई भी, एनी वन कैन ज्वाइन स्कूल। तो ये इनका प्लान था कि थोड़ा सा सिस्टम को वाइड किया जाए। ठीक है, कुछ लोग चाहते थे दैट ऑल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, कि अल्टरनेटिव सिस्टम इसमें डाला जाए। हम लोग ब्रिटिश सिस्टम तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा इंडियन टच भी डाल दो। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पांच सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एडिशनल क्या होता है हमारे पास, संस्कृत। तो ये यही बोल रहे थे कि तुम जो पढ़ा रहे हो ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे, बट हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स डाल दो। जैसे संस्कृत है ना, तमिल है, तेलुगु है, मैं रीजन के हिसाब से बता रही हूँ, गुजराती है, असमी है, ये सब भाषाएं डाल दो, ताकि अपना जो टच है हमारा छूटे नहीं, हम लोग बदल नहीं जाए। तो संस्कृत हम लोगों को जबरदस्ती 8 तक पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती, तो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि अपने जो मातृभाषा है कम से कम उसे हम लोग नहीं भूल जाए। ठीक है, तो मातृभाषा को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। खैर, अगर आप उससे आगे भी पढ़ते हो संस्कृत तो बहुत ही अच्छी बात है, पर हम लोग पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, पढ़ते अरे कुछ नहीं रखा संस्कृत में, कुछ यूज तो है नहीं इसका, लिटरली यूज नहीं है। पर हम इसका, संस्कृत का यूज सिर्फ मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर पढ़ाने के लिए, मतलब आप यू कैन बी अ गुड टीचर इन संस्कृत, अगर आप उसे आगे जो उसका फ्यूचर देख रहे हो तो वो अकेडमिक्स में बहुत अच्छा है ना। कई ऐसी जगह है जहां पर अगर आपको संस्कृत को एक लेवल पर आप दिखाना चाहते हो, आप उसको रिप्रेजेंटेटिव उसके बनना चाहते हो, तो दैट कैन बी अ नेक्स्ट लेवल, है ना। और भी देखो काफी सारी इसकी फील्ड है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। तो दैट डजेंट मीन कि जो संस्कृत है उसको यहीं हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और भी इसका वाइड सेक्शन हो सकता है पर हम लोगों को पता नहीं है। तो अब यहाँ पे बच्चे लोग कह रहे हैं कि किसने डिफाइन किया कि ट्रूली नेशनल क्या है ना, मतलब सच में क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रवादी चीज क्या है। अब इस चीज पर डिबेट हुई कि नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि भाई इंडिपेंडेंस तो तब तो ठीक है कि हम जो जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना अपना चला रहे हैं तो हम ठीक है, हम लोग स्कूल चला लेंगे, लेकिन क्या जो नेशनल एजुकेशन है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी रहेगी। मतलब राष्ट्रीय जो साक्षरता है, जो हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो पढ़े बढ़े और उसका विकास हो, तो क्या वो इंडिपेंडेंस के बाद रहेगा या सिर्फ अभी अभी तक का ड्रामा है ये। तो ये देखो, ये एक स्कूल है, ये अभी तो मॉडर्न वर्जन में आपको दिखा रही हूँ, ये एक मिशनरी स्कूल है। मिशनरी स्कूल क्रिश्चियंस के ही होते हैं, ये कोयम्बतूर में है, और ये जो शुरुआत 20th सेंचुरी थी, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उस समय ये स्कूल खोला गया था। तो मिड 19th सेंचुरी ये गर्ल्स के लिए स्कूल है, देखो सारी लड़कियां दिख रही है ना इसमें, गर्ल्स स्कूल है टोटली, और ये क्रिश्चियन मिशनरी मतलब ने सेटअप किया था इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
तो दूसरी जगह क्या हो रहा था, जो एजुकेशन हम ले रहे थे एज सिविलाइजिंग अ मिशन। अच्छा देखो, आप सभी बच्चे इस चीज को यहाँ पर समझो कि यहाँ पर अब ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि एजुकेशन और एज अ सिविलाइजिंग मिशन। सिविलाइजिंग मीन्स किसी को सभ्य बनाना। सभ्य मतलब कि आप एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सको दूसरों के सामने, है ना। एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। एक बच्चे में ही बता रही हूँ, और बड़े में भी ले सकते हो आप लोग। वैसे आप काफी बड़े हो, मेरे ख्याल 13-14 साल के बच्चे हो आप सभी, तो बड़े में ही काउंट होते हो अभी। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता, मैं अनपढ़ शब्द यूज नहीं करूंगी, जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता, सबसे पहले तो वो बच्चा मिसबिहेव वो करता है ना। उसको बोलने की सेंस नहीं होती कि हाउ टू टॉक विद समवन। वो किसी से भी तू, मैं, आप, तुम, कुछ भी, आप तो बोलेगा ही नहीं एक्चुअली, है ना। और वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है, उसको थोड़ा सेंस नहीं होती हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट, है ना, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से खाना खाना है, किस तरीके से पानी पीना है, ये कुछ नहीं पता होता। वो बस खा रहा है। अब उसने एक एक रोटी ली, उसने उसको दो हिस्सों में बांट लिया और उसको खाने लग गया। दूसरी साइड एक पढ़ा हुआ बच्चा जो पढ़ता है, स्कूल जाता है, तो वो क्या करेगा, वो तमीज से बैठेगा, वो एक एक छोटी छोटी बाइट से खाना खाएगा, ठीक है, तमीज से सबसे बात करेगा, है ना। वो शाउट नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, है ना, बहुत रिलैक्स होके बात करेगा। तो ये डिफरेंस है। एजुकेशन हमें क्या करती है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री आ गई और आप पढ़े लिखे हो गए। एजुकेशन मीन्स आपके अंदर एक सभ्यता आती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है ना। अब जैसे मैं हूं, अगर शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, या मतलब जो भी मैंने पढ़ा है, पढ़े लिखे होने का मतलब जो मैंने पढ़ा है, जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो क्या ये चीज है मैं आपको समझा पाती, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी फिर ऐसी ऊटपटांग बातें करके यहां से चली जाती और बस आपकी पढ़ाई हो जाती, है ना। हमारा मोटिव क्या है, पढ़ाई का मोटिव एक्चुअली क्या होता है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना, आपको एक अच्छा इंसान बनाना, ताकि आप जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें सुधार करें, है ना। जब एक व्यक्ति पढ़ता है, एक पर्सन जब एजुकेटेड हो जाता है, लिटरेट हो जाता है, तो वो दूसरे लोगों को भी यही बोलता है ना, अरे पढ़ो, पढ़ने से समझ आती है, समझदारी आती है, तमीज आती है। यही बोलते हैं ना हम लोग कि आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, पढ़ते नहीं है तो वो ऐसे आवारा हो जाते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन का मिशन क्या है कि आपको सिविलाइज करना। अब देखो ये इमेज मैंने लगाई, ये इमेज में आप क्या देख रहे हो, चाइल्ड लेबर। पेरेंट अगर नहीं पढ़ा पाते क्या करते हैं, बच्चों को काम पे भेज देते हैं, है ना, कि चल पढ़ नहीं रहा तो कमा के ला, चाहे तू घर में किसी के काम कर या फिर कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर ले, मुझे पैसे चाहिए, नहीं पढ़ रहे तो काम करो। यही एक मम्मी पापा का एक यही डायलॉग होता है। इवन आपको भी कई बार डांटा होगा इस चीज को लेकर, पढ़ नहीं रहा चल ठीक है मैं तेरी जॉब लगवा देता हूँ, है ना। तो अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट 1870, एक एजुकेशन एक्ट है, जब तक ये नहीं आया था, तो कोई वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन फॉर होल फॉर मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ऐसा नहीं था कि सबको ही पढ़ाई करनी है। मतलब 1870 तक जो चल रहा था ठीक है, तो उसके बाद जब ये एजुकेशन एक्ट आया, तो उसके बाद पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया गया। और जो हमारा संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है कि 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और इस एजुकेशन का को पाने का सभी बच्चों को अधिकार है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता, ठीक है। चाइल्ड लेबर भी वाइडली प्रेवलेंट, फिर भी चाइल्ड लेबर प्रेवलेंट है। क्यों प्रेवलेंट है, क्योंकि पॉवर्टी और गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम लोग स्कूल जाएं। इसीलिए सरकार ने 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों का दिन का खाना फ्री किया है, जैसे हम मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। सभी बच्चों को स्कूल की ड्रेसेस स्कूल से मिलती हैं, बुक्स स्कूल से मिलती हैं, ताकि सभी बच्चे स्कूल आए, एटलीस्ट वो 8वीं पास तो हो जाए, उन्हें अपना नाम लिखना आता हो, उन्हें चीजें पढ़नी आती हो, समझनी आती हो, है ना। ये इसीलिए किया गया। लेकिन फिर भी सब चीजें फ्री होने के बाद भी बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो यही बस मैंने स्टोरी सुनाई, ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वो अपनी फैमिली को सरवाइव करवाने के लिए, कि मतलब अर्निंग नहीं है, मम्मी नहीं है या पापा नहीं है, जो भी रीजंस होता है, मम्मी पापा के होने के बाद भी चीजें नहीं ठीक हो पा रही है, तो बच्चे काम करने जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्कूल्स उस समय जो थे वो बहुत लिमिटेड थे, और जो चर्च था और जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे वो
स्कूल चला रहे थे, उनके थ्रू स्कूल चल रहे थे, तो वहां पर सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ने जा सकते हैं स्कूल, तो गरीब बच्चे तो वहां फीस ही नहीं भर सकते ना। तो इट वाज ओनली आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि जो स्कूल है वो सरकार के द्वारा खोले जाएंगे, कंपल्सरी स्कूलिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 14 साल की उम्र तक सभी बच्चे स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन थिंकर, ये नाम, ये इमेज देखिए, इनका नाम है थॉमस आर्नोट। तो ये हेडमास्टर बने प्राइवेट स्कूल रग्बी के, रग्बी एक गेम है ठीक है, तो ये उसके हेडमास्टर बने और इन्होंने उसको बहुत अच्छे से चलाया। तो सेकेंडरी स्कूल भी करिकुलम में लाया गया कि भाई सेकेंडरी स्कूल भी चलाना है, सेकेंडरी मतलब हायर स्टडीज, 10th to 11th 12th आ गया ठीक है। फॉर ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, यहाँ पर रिटन 2000 years अर्लियर ही सेड, मतलब कि सेकेंडरी करिकुलम भी लाया जाएगा जहां पर ग्रीक और रोमन पढ़ाया जाएगा, और वो ये थे आर्नोल्ड ठीक है। तो इन्होंने इस लेटर में लिखा कि इट हैज ऑलवेज सीम्स टू मी वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परसुएड इन आर इंग्लिश स्कूल दैट इट ड्रॉज आर माइंड सो कंटिन्यूअली टू ड्वेल अपॉन दी पास्ट। तो मतलब ये कह रहा है कि मैं जब पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ने में ये मुझे ग्रेट एडवांटेज हमेशा से रहा है कि हमें जो हमारा पास्ट है उसके बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं, है ना, कि हमारे पिछले टाइम पर क्या हुआ था, अब 100 200 साल पहले क्या हो रहा है, ये मैं आपको पढ़ के ही बता रही हूँ, है ना। एवरी डे वी आर एंगेज इन स्टडिंग द लैंग्वेजेस द हिस्ट्री एंड द थॉट्स ऑफ द मेन हु लिव्ड अर्ली और मोर देन 2000 years अगो। तो हम रोज मतलब लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहां पे हम थॉट्स पढ़ रहे हैं कि 2000 साल पहले जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, किस तरीके से उसने काम किया या नहीं किया। मतलब एजुकेशन हमें एक बहुत ही समझदार और अच्छा इंसान बनाती है। तो आर्नोल्ड ने फेल्ट किया, ये फील किया कि जो स्टडी ऑफ क्लासिक्स ये माइंड को डिसिप्लिन करती है, दिमाग को शांत करती है ना। इनफैक्ट जो मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द टाइम उस समय के, वो ये मानते हैं कि सच अ डिसिप्लिन वाज नेसेसरी बिकॉज यंग पीपल वर नेचुरली सेविज। तो ये कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन है यंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बचपन से ही शैतानो नटखट होते हैं। तो आप देखते हो ना कि छोटे बच्चे कितने सवाल करते हैं, मम्मी ऐसा क्यों है, मम्मी ये क्यों बनाए, मम्मी ये कैसे बनाए, ये कब होगा, ये क्यों होगा, मतलब इन सवालों के जवाब देना इट्स वेरी टफ ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को डिसिप्लिन करना जरूरी होता है। मम्मी भेज देते ना, 3 साल का बच्चा होती तू स्कूल जा, तुझे स्कूल जाना है ठीक है। तो बच्चे दे ऑलरेडी आर सेविज, है ना, तो उन्हें पढ़ाना जरूरी है, डिसिप्लिन करना जरूरी है। अब इन यंग लोगों को कंट्रोल करना जरूरी था टू बी सिविलाइज्ड एडल्ट, ताकि ये लोग अच्छे लोग बने, सभ्य लोग बने, क्योंकि ऑलरेडी शार्प माइंडेड है ना। फिर यहाँ पर अगर हम इन्हें पढ़ाएंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा कि सही गलत क्या है, प्रॉपर बिहेवियर क्या है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कहीं जाते हैं तो आपका बिहेवियर देखा जाता है ना, कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, एवरीथिंग इज नोटिस्ड बाय एवरीवन ठीक है। इम्प्रॉपर बिहेवियर कि उसको छोड़ दिया और वो देखो वहां खड़ा खड़ा हो गया, वो लड़की ने शक्ल बना ली, वो गुस्सा हो गई। तो एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड वॉज मेंट टू गाइड देम ऑन दिस पाथ, कि वो हमें एक रास्ते पर ले जाने के लिए गाइड करती है पढ़ाई। तो अभी बच्चे वापस से एक सवाल कर रहे हैं कि कैन यू सजेस्ट हाउ सच आइडियाज माइट हैव इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ द पुअर इन इंग्लैंड एंड ऑफ द नेटिव इन द कॉलोनीज। तो कह रहे हैं कि क्या आप कोई ऐसा आइडिया दे सकते हो कि मतलब जो ये थिंकिंग है, मतलब किस तरीके से इन्फ्लुएंस मतलब किया कि जो एजुकेशन है जो गरीब लोगों की इंग्लैंड में किस तरीके से होगी, और जो कॉलोनीज में जो नेटिव्स रह रहे थे उनकी किस तरीके से होगी। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो काइंडली आस्क मी इन द ग्रुप ठीक है। और सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।